हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लवीज किचन सीक्रेट। आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रेप वाइन। इसे ब्लैक ग्रेप्स के साथ बनाया जाता है एंड मैंने फर्मेंटेशन के लिए वीट एंड ईस्ट यूज़ किया हुआ है और ये 21 डेज में रेडी भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक ग्रेप्स। इसे हमें अच्छी तरह से धोकर सुखाकर फिर यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर 1 kg ब्लैक ग्रेप्स लिया हुआ है। इसे हम जार में भर देंगे। फिर एक स्पून के मदद से हमें इसे स्मैश करना है। याद रखना है कि हमें वुडन स्पून ही यूज़ करना है। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 kg शुगर। यहाँ पर आप शुगर का क्वांटिटी कम कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द स्वीटनेस। अगर आपको कम स्वीटनेस चाहिए तो आप 750 ग्राम्स ऑफ शुगर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें हम डालेंगे 100 ग्राम्स वीट यानी कि गेहूँ। फिर उसमें हम डालेंगे लवंग लगभग 15, फिर दालचीनी लगभग 2 इंच एंड 1 teaspoon ऑफ ईस्ट। फिर उसमें हम डालेंगे 1 liter पानी। पानी को पहले उबाल कर फिर ठंडा करके यूज़ करना है। वुडन स्पून के मदद से हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। ध्यान रखना है कि हमें वुडन स्पून ही यूज़ करना है। जार के ऊपर हम पहले कपड़ा रखेंगे एंड फिर लिड को क्लोज करेंगे ताकि ये एयरटाइट हो जाए। फिर हम इसे कोई डार्क प्लेस पे रखेंगे फॉर 21 डेज। वाइन को एवरी अल्टरनेट डे मिक्स करना है। दिस वाज द 3rd डे। एक वुडन स्पून के मदद से हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है। देखिए इस तरह से। स्पून कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। फिर से हम जार को टाइटली पैक करके रख देंगे। याद रखना कि एवरी अल्टरनेट डेज फॉर 21 डेज हमें इसे स्टोर करके रखना है। ऑन द 22nd डे हम इस वाइन को निकाल कर छान कर बॉटल में भर के रख देंगे। सबसे पहले हम इस ग्रेप्स को अच्छी तरह से स्मैश करेंगे हाथों के मदद से। देखिए इस तरह से ग्रेप्स अच्छी तरह से स्मैश हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। एक बर्तन में हम एक स्ट्रेनर रखेंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे एक मसलिन क्लॉथ। अब हम वाइन को पोर करेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आ चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन करेंगे। टिपिकल केरला गोवन स्टाइल वाइन रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए इसे हमें अच्छी तरह से स्ट्रेन करना है इस तरह से। ग्रेप वाइन इज रेडी टू बी बॉटल्ड। इसे ग्लास बॉटल में भर के रख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। Stay tuned for the upcoming videos. Till then, bye.